इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। कांग्रेस में आज भी रहेगा बैठकों का दौर जारी। प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह के साथ बैठक, जिला अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ वन टू वन चर्चा भी होगी। चर्चा के बाद तय किए जाएंगे प्रत्याशियों के नाम। चुनाव समिति सदस्यों के साथ बैठक और वन टू वन चर्चा होनी है। तो बैठकों का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव समिति सदस्यों के साथ वन टू वन चर्चा करनी है। कांग्रेस में ये बैठकों का दौर आज दिन भर भी जारी रहने वाला है, जिसमें प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और वन टू वन करेंगे। इस बीच दिनेश शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर। दिनेश, दिन भर ये बैठकों का दौर जो है वो जारी रहने वाला है और विस्तार से इन बैठकों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये दौर जो है लगातार बैठकों का 5 तारीख तक जारी रहेगा। कल जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी और उसमें प्रदेश के जो आधे जिले हैं उन पर ही चर्चा हो पाई। प्रत्याशियों को लेकर बंद लिफाफे में नाम दिए गए थे प्रत्याशियों के जिला अध्यक्षों द्वारा, और उसके बाद जो है मिलान किया गया, जो सर्वे किया गया है कांग्रेस नेतृत्व द्वारा, उस सर्वे में जो नाम आए हैं और जो लिफाफे में नाम आए हैं उनका मिलान किया गया, और उसके बाद अगर दूसरे नाम आए हैं और सर्वे में नहीं आया और लिफाफे में दूसरा नाम आया है तो उस पर चर्चा की गई, वन टू वन चर्चा हुई है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र को लेकर खास तौर पर ये चर्चा का दौर चला है। आज फिर जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। कई जिलों के जो है नाम जो बचे हुए हैं उन पर चर्चा होगी। वहीं आज चुनाव जो समिति है उसके जो सदस्य हैं उनसे भी आज जो है प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रदेश में अभी क्या स्थिति है, क्या काम करना पड़ेगा कांग्रेस को, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी शक्ति के साथ कांग्रेस उतर सके और कांग्रेस का झंडा फहरा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज पूरा संडे बैठकों के नाम रहेगा कांग्रेस के यहाँ से।